यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 की तो आप और आयोग अपने फायर मोड पे चल चुका है, तो ये तो कंफर्म है कि 12 तारीख को एग्जाम होगा। अब आप में से कई सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रखा है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 महीने में एग्जाम निकल जाए, ये तो असंभव है। नहीं, कोई भी चीज असंभव नहीं होती, याद रखिए उसका एक तरीका है। 12 घंटे अगर आज की डेट से आप डेली देते हैं, मेरी बात एकदम कहीं लिख लीजिएगा, अगर आज की डेट से नोटिफिकेशन की डेट से एग्जाम की डेट तक अगर आप 12 घंटे डेली देते हैं और आपकी पढ़ाई में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क शामिल है तो आप प्रीलिम्स जरूर निकालेंगे। दूसरी चीज, जिस डेट को आप लोग प्रीलिम्स दे के आते हैं ना, अगर उसकी शाम को, याद रखिएगा मेरी बात, जिस डेट को आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देते हैं उस शाम को अगर आपको ये पता हो कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा तो 3 महीने मोर देन सफिशियंट होते हैं एग्जामिनेशन के, कौन से, मेंस के एग्जामिनेशन के, ठीक है। अब पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो 12 जून को प्रीलिम्स है और अगर आप एकदम नए बच्चे हैं तो मैंने आपको कहा 12 घंटे अगर आप डेली पढ़ने का बूता या कुव्वत रखते हैं तो ही इसको स्टार्ट करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखिए, मत देखिए, आपको जो बेहतर लगता है। ऐसे नहीं मैं अकेला हूं, 1000 लोग हैं, क्योंकि मैंने अपना निकाला है इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी है और मुझे पता है ऐसी स्ट्रेटेजी पे मैंने 1-2 साल नहीं मेहनत, 3-4 साल 5 साल मेहनत की है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, ये नहीं कर रही है, हर टाइप की स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो कर ली। अब अगर बात करें, देखिए ये है इंडियन पॉलिटी, कहां कमी रह जाती है बताता हूं। इंडियन पॉलिटी आप देख रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में हर टॉपिक से, जैसे पॉलिटी से 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही हिस्ट्री से 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, तो आप में से कई सारे लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो उन्हें बड़ा आसान लगेगा, बहुत ही हल्का लगेगा, यार पॉलिटी तो बड़ा आसान है, तो कभी भी हो सकता है। यही सबसे भारी भूल है, याद रखिए एग्जाम में वो आदमी फेल होता है जो आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन टफ है ना उसको सभी गलत करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आसान है और आपको आ रहा था और अपने सिली मिस्टेक के चक्कर में उससे आपसे गलती हो गई तो आप फिर कभी पास नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा याद रखिए। आपसे आसान क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने चाहिए और पॉलिटी से आसान कुछ भी नहीं है। 20 से 22 टॉपिक है, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट भी हैं आपको पता होगा 2 महीने बहुत कम है, ऐसा नहीं है 2 महीने में आप बहुत कुछ कर लेंगे, तो इसका एक सेट तरीका है पढ़ने का पॉलिटी में। अब ऐसे पढ़ने को देखिए इतनी सारी मोटी बुक है, लेकिन अगर आप रैंडम पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो सकता, आपको एक सेट वे में पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप पढ़ें, कि आपको 20 से 22 में से 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आपसे हर हालत में सही हो जाएगा। देखिए इस 20 से 22 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इसी एक किताब से, लक्ष्मीकांत से, ये बात लिख लीजिएगा। पॉलिटी में 15 से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ एक किताब से आते हैं, इंडियन पॉलिटी से, और कहीं से नहीं आते। तो अगर आपको इस किताब की लाइन बाई लाइन अक्षरशः याद है, जैसे कि मैंने इसको 10-12 बार पढ़ रखा है, तो आपको अगर इसकी 1 बाई 1 लाइन याद है तो आपको पता है 20 क्वेश्चन में से आपका एक भी नहीं गलत होता, नहीं गलत होता। आपको इसके लिए पैटर्न तरीका अपनाना पड़ेगा, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको 15-16 क्वेश्चन का टारगेट दे सकता हूं कि आप इतना सही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बुक, चाहे वो फर्जी की कोई भी मार्केट में अवेलेबल हो, कुछ भी मत लीजिएगा, मैं इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप एक नए हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए प्रिम्बल से, मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ें, यही बुक को पढ़ना है बट सोर्स भी बताऊंगा किस तरीके से पढ़ें। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, प्रिम्बल। प्रिम्बल आप कैसे पढ़ेंगे ये आपकी इच्छा है, आप मेरे एक बार वीडियो को देखिए इंडियन पॉलिटी का, उसमें प्रिम्बल है, 20 से 22 मिनट का वीडियो है, उसको डबल स्पीड पे देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और उसमें हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिटी, इंडियन और नहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, ये सारी चीजें A to Z को मैंने, अगर एक भी पॉइंट छूटा होगा तो मतलब विशुद्ध रूप से इसी बुक का वो है, आप उसको देखिएगा इच्छा करे तो। दूसरी चीज, उससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, कन्फर्म है। दूसरी चीज आ जाइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके 2 वीडियो हैं लेकिन इससे 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहां कहां से आपको पढ़ना है। आप इस किताब को पढ़िए उसके पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, कौन सा, प्रिम्बल वाला, 5 से 10 मिनट में देख लीजिए डबल एक्स स्पीड पे वीडियो, फिर इस किताब के चैप्टर को पढ़िए। आपका देखिए इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, ऐसे कुत्तों की तरह उठाया रैंडमली पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना, इसमें नहीं पूरा होगा। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, आप पहले क्या करिए, शुरू के 10 से 15 मिनट कोई भी जिसकी भी वीडियो आपको प्रिम्बल की सबसे अच्छी लगी, मैं अपनी तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं अपनी एक बता रहा हूं कि ठीक है आप कर सकते हैं, प्रिम्बल की आप एक वीडियो देखिए, ठीक है, मेरी भी है आप मेरी भी देख सकते हैं, आप
किसी की भी देख सकते हैं, उसके बाद आप इस बुक को खोलिए, ठीक, इसका वो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाइए, दो चैप्टर हैं, वीडियोस मेरे दो हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट वन पार्ट टू, उसकी एकदम सेट नोट्स भी मेरे पास है, आप पढ़िएगा, उसके बाद इस बुक को पढ़िए, आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। और कितनी देर में ये सब हो जाएगा जानते हैं, 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में, आज आप स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 3 घंटे में आप इस चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कोई भी दिमाग लगाए बिना। कितना समय हो गया, 3 घंटे। अब याद रखिए, एक है फंडामेंटल राइट्स, मेरे वीडियो बस यहीं तक है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वीडियो शायद आपको काफी अच्छा लगेगा। एक होता है देखिए फंडामेंटल राइट्स, दूसरा होता है फंडामेंटल ड्यूटी, और तीसरी होती है डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। इसमें 2 से 3 नहीं, 2 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए, मतलब फिक्स है, अगर फंडामेंटल राइट्स पे एक क्वेश्चन आना है, चाहे जैसा भी हो इस पे जरूर आएगा, तो आप इस चैप्टर से पढ़ लीजिए। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी पे एक क्वेश्चन आएगा और तीसरा आएगा डीपीएसपी पे, कम से कम 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं सिर्फ इन्हीं चैप्टर से। कितने, 2 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 आएगा, मैक्सिमम 4 आएगा, कितना हो गया, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर हो गया, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, आपको यही सीक्वेंस में पढ़ना है, इसको याद रखिए, ऐसा रैंडमली कहीं भी नहीं पढ़िएगा, इस सीक्वेंस में पढ़िए। तो पहला हो गया प्रिंबल, आपने पढ़ा, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस पूरी किताब में दिया क्या है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, प्रिंबल का मतलब क्या होता है जानते हैं, इंट्रोडक्शन, अगर आपको आपके बारे में इस पूरी बुक को पढ़ना है तो आपको क्या जानना जरूरी है, बताइए इस पूरी किताब में क्या लिखा है, यह आप कैसे जान सकते हैं, सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन से, आप शुरू में खोलते हैं उसमें सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, वैसे ही याद रखिए। फिर आप क्या करेंगे, जब इन 3 बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े चैप्टर नहीं, बहुत छोटे छोटे 3 चैप्टर हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर, ठीक है, इस बुक में टोटल 50 करीबन चैप्टर हैं। उसके बाद अगला आ जाइए बेसिक स्ट्रक्चर, सिर्फ 20 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आपको खोलना है पार्लियामेंट चैप्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, पार्लियामेंट चैप्टर, जो भी चैप्टर होगा पार्लियामेंट, मैं आपको बता देता हूं, देखिए पार्लियामेंट जो चैप्टर है, अच्छा इस बुक का नोट्स भी कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इधर देख लीजिए, पार्लियामेंट चैप्टर मैं आपको दिखा दूं, पार्लियामेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 22, नई बुक जो ग्रीन वाली बुक मेरे पास है इसके हिसाब से पार्लियामेंट है चैप्टर नंबर 22, और चैप्टर नंबर 23 है क्या, पार्लियामेंट्री कमेटी। 3 क्वेश्चन, 1-2 नहीं, 3 क्वेश्चन सिर्फ पार्लियामेंट से आते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप पूरी किताब पढ़ डालिए कोई फर्क नहीं, लेकिन आप गिनी चुनी चीजों को पढ़ेंगे ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, जरूर पढ़नी है, लेकिन कम समय में पहले क्या पढ़ें अपनी प्रायोरिटी सेट करना ही कहता है स्मार्ट अप्रोच। तो आप देख लीजिए 3 क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आ जाइए, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं ऐसे ही करता हूं इसीलिए मेरा निकलता है, आप भी ऐसे करिए आपका निकल जाएगा। फिर आ जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट, जब मैं बात करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो याद रखिए आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट का, 10 पेज है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 पेज, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ठीक है, और ये सब एक एक छोटे छोटे चैप्टर हैं भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, गवर्नमेंट पढ़ना है। अब इनका देखिए सेंटर और स्टेट का आर्टिकल रटने का एक तरीका है, इनमें एक सेट पैटर्न होता है, आगे चल के मैं आपको कभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल याद रखिए 1 से 2 क्वेश्चन आएगा इससे, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आएगा। और उसके बाद आ जाता है ये 2 चीज, ये 3 चीज आप याद रखिएगा, सबसे पहले या 3रे नंबर पे जब आप ये पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आप बाद में भी पढ़िएगा लेकिन इसको जरूर पढ़िएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, बहुत ही जरूरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी उतना ही जरूरी है, आजकल सबऑर्डिनेट कोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पंचायती राज पे मैंने शॉर्टेस्ट वीडियो ट्रिक्स, मतलब शॉर्ट में दो ही में बना रखा है, आप दो तीन चार वीडियो है देख लीजिएगा, छोटे छोटे दो मिनट तीन मिनट के हैं, आप उनको देखिएगा, आपके 2 नंबर आते, 2 क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट दो ही के रूप में मैंने जो कमेटी बनती है वो सारी बना दी है, शॉर्टेस्ट वे है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो भी है वो आप एक लाइनर में, अब नोट्स कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे मैं बताता हूं मैं कैसे नोट्स बनाता हूं, कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, ये देखिए फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन मैंने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर का 10 पेज का चैप्टर है लेकिन मैंने इसका नोट्स सिर्फ कितने बना रखा है देखिए 20 से 30 लाइन, ये देख रहे ना, इलेक्शन कमीशन का पूरा नोट्स मैंने इतने में बना रखा है, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ता, जब एग्जाम के रात में पढ़ना होगा तो मैं सिर्फ इतना पढ़ूंगा, ये इस पूरे चैप्टर का सार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास करिए, ये देखिए ये पूरा चैप्टर पूरा पढ़ा मैंने, पढ़ने के बाद सिर्फ 10 पेज 10 लाइन से ज्यादा नोट्स नहीं होते कभी भी, याद रखिए ऐसे आपको नोट्स बनाना है, जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका याद रखिए 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएगा। कितने चैप्टर हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, पंद्रह क्या 16 चैप्टर हैं। अगर आप इसको दिन में, एक दिन में, सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर देखिए पार्लियामेंट है, इसको आप एक दिन में पढ़िएगा, ठीक है। बाकी सब आप तीन तीन घंटे में निपटा दीजिए। आप अगर एक हफ्ते सही से आज से पढ़ेंगे तो आप एक हफ्ते, याद रखिए एक वीक का टारगेट रखिए पॉलिटिक्स, और एक वीक में आप ये पूरा निपटा सकते हैं। कितना, 15 से 16 क्वेश्चन का। जो बचे 5 से 6 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहते हैं, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसका हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 12 घंटे आप पढ़ सकते हैं तो ही आप इस चीज को शुरू करिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक और बात, यूपी स्पेशल की भी मैंने कुछ वीडियोस 8-10 वीडियो बना रखी हैं, जिसमें शॉर्टेस्ट ट्रिक का मतलब दोहे के रूप में हर चीज को कन्वर्ट कर रखा है। आपको अच्छी लगे तो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो